यशोदा, कान्हा बलराम कहाँ है? पता नहीं यार, अभी अभी तो कक्ष में ही थे, न जाने कहाँ चले गए। कान्हा, हम सबके प्राण संकट में हैं, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। साथियों, आप सब लोग सुरक्षित स्थान पर चलो। चलिए सुरक्षित स्थान पर निकलिए। हे देव ऋषि, आप प्रकट होइए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने हमारा स्मरण किया, आदेश कीजिए। देव ऋषि, आपको उस अश्व को नियंत्रित करने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। अवश्य प्रभु, अवश्य। इस अश्वमेध का जन्म यज्ञ वेदी से हुआ है और उस पर नियंत्रण तभी पाया जा सकता है जब वो आकाश में उड़ रहा हो। उसी समय प्रभु, उसी समय उसके गले में फंदा डाला जा सकता है। तो ये कैसे होगा गाना? अश्वा, अब तुम मेरे वृंदावन में और विनाश नहीं कर सकते, तुम्हें रुकना होगा। हाँ दाऊ, हमें इसे वृंदावन के बाहर ले जाना होगा। दाऊ। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? जीवित नहीं बचेगा जिसने मेरे अश्व को रोकने का साहस किया। देखिए दाऊ, अब यह अश्व शांत हो गया है। हाँ कान्हा, अब तो सिंधु की प्रतीक्षा है मुझे। नारायण नारायण। धन्य है आप प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली अंतर्यामी हैं, किंतु आपने
जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपको ये बात बताना आवश्यक है कि वो असुर धुंधु उसकी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों नहीं होगी प्रभु। नारायण नारायण। मुनिवर आपको हमारा एक कार्य करना होगा। अवश्य प्रभु अवश्य।